हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अमय खुरासिया। आज उन्होंने इंदौर शहर में अपने क्रिकेट अकादमी का शुभारंभ किया। आइए बात करते हैं अमय से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी क्रिकेट अकादमी के लिए। जिस तरह से बच्चों के समय कम है और उनका जो मैदान के प्रति रुझान कम हुआ है, क्योंकि एक प्रॉपर कोचिंग फॉर्मेट कभी किसी को नहीं मिला, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं मिला। अगर एक सिस्टम मिलता है और एक अच्छा कोचिंग फॉर्मेट मिलता है तो एक दिशा मिलती है, और जब दिशा मिलती है तो फिर आपकी बहुत सारी गलतियाँ जो आप करते हैं उनके सोल्यूशंस आते हैं, जब सोल्यूशंस आते हैं तो फिर आशा बनती है कि मैं कर सकता हूँ। तो ये सब मैंने देखा और मुझे लगा कि इस दिशा में काम करना चाहिए, और इसलिए मैंने यह अकेडमी का। जब इंजीनियर्स की डिमांड थी तो पेरेंट्स चाहते थे कि इंजीनियर्स बनो अपने बच्चों से, जब डॉक्टर्स आए तो डॉक्टर्स बनो, अभी कह रहे हैं क्रिकेटर्स बनो, तो क्या क्रिकेटर्स बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते, थोड़ा प्रतिभा तो चाहिए डेफिनेटली, वो टैलेंट होना चाहिए आपके पास, और फिर बाकी सब काम परसिवियरेंस ही होता है। इट इज़ अबाउट 90% ऑफ परस्पिरेशन, 10% ऑफ अदर थिंग्स, सो 90% हार्ड वर्क। आई थिंक इट्स मोर अबाउट स्मार्ट वर्क नाउ, करेक्ट वर्क। So we'll provide them smart work, correct work, and they say practice makes a man perfect. No, it's practice which can only make a man improve. So we will try to improve them. पुनीत श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने अपने मैच तो गवा दिए, परिणाम बहुत आशावान नहीं रहे, तो क्या इन परिणामों का असर वर्ल्ड कप पर पड़ सकता है? अगर आप जीत के जाते हैं तो एक अच्छे सुखद अनुभव के साथ जाते हैं, अगर आप हार जाते हैं तो वही अनुभव आपको पीछे, आपको मनोवैज्ञानिक तौर पे नीचे लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि यस, डेफिनेटली इसका फ़र्क तो पड़ेगा, बट अगर हम धीरे धीरे पीक करें वर्ल्ड कप में भी, वर्ल्ड कप अभी भी बहुत काफ़ी समय है, कुछ समय है अभी, तो धीरे धीरे अगर पीक करें और क्वार्टर्स तक आते आते हम अच्छी तरह पीक कर जाएं, तो फिर तीन गेम बचते हैं, क्वार्टर, सेमी और फाइनल्स। तो आप कह रहे हैं कि ये लॉटरी की तरह है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लॉटरी की तरह है, मैं यह कह रहा हूँ कि क्वार्टर फाइनल में आप पीक करते हैं तो जब आप क्वार्टर फाइनल आप खेलेंगे पक्की बात है, और जब आप क्वार्टर फाइनल में पीक करते हैं तो आपके ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने एक ही दिन में 250 रन बनाए वनडे क्रिकेट में, आपके ऐसे बैट्समैन हैं जो 60 बॉल में 125 रन बना सकते हैं, तो यू नेवर नो, अगर वो बैटिंग आपकी उस दिन चली तो आप डिस्ट्रॉय कर देंगे सामने वाले बॉलिंग को। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्च तक ऑस्ट्रेलियन पिचेस भी धीमी पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ गर्मी और बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ क्रिकेट ऑल्सो, तो वो पिचेस जो होंगी वो काफ़ी सब कॉन्टिनेंट लेवल की पिचेस हो जाएंगी, तो हमारे लिए उन पिचेस के साथ सामंजस्य बिठाना आसान रहेगा। कि पिछला वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था 1992 में, तब भी भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 महीने लंबा ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। वर्ल्ड कप 92 में भारतीय टीम का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा था, बाद में वजह दी गई थी खिलाड़ी थक गए थे, तो वो एक रेफरेंस हमारे पास है, तो ऐसा कुछ देखते हैं आप इस बार भी? बड़े टूर्नामेंट्स के पहले हमारा, हमको 1 महीने पहले आराम मिलना है, 20-25 दिन पहले आराम मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो टू मच क्रिकेट इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज आपकी ह्यूमन बॉडी है वो कभी तो गिवअप करेगी, बट मुझे लगता है आज के मॉडर्न क्रिकेट में आपके फिजियोज हैं, ट्रेनर्स हैं, मैसिव्स हैं जो आपको तैयार करते हैं। मोर देन दैट मैं मानता हूँ कि यह सब कुछ मेंटली, हाउ मच स्ट्रॉन्ग या मेंटली, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, मनोवैज्ञानिक तौर पर कितने मजबूत हैं वह महत्वपूर्ण होता है, तो वह सब काम आएगा। धोनी से संबंधित दौरे के बीच में तरह से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि उन्हें दौरा पूरा करना था। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमय खुराफिया जो इंदौर में अपनी क्रिकेट अकेडमी खोल चुके हैं।